जिंदगी ना मिलेगी दोबारा हम सभी के लिए एक कंफर्ट फिल्म है। कई लोगों ने इसे बहुत बार देखा होगा और जिन्होंने फिल्म नहीं देखी है उनके लिए बता दें कि फिल्म तीन दोस्तों के ऊपर बेस्ड है जो रोड ट्रिप के लिए स्पेन जाते हैं और उनका रोड ट्रिप का सफर इस फिल्म में दिखाया गया है। जोया अख्तर द्वारा निर्देशित इस फिल्म में ऋतिक रोशन, फरहान अख्तर और अभय देओल मुख्य भूमिका में है। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा अपने समय की सबसे पसंदीदा फिल्मों में से एक है। हालांकि क्या होगा यदि हम आपसे कहें कि आपने जो फिल्म का अंत देखा है वह फिल्म का वास्तविक अंत नहीं था। फिल्म के मूल अंत ने कई दर्शकों को भ्रमित कर दिया। ये दर्शक वो थे जिन्होंने ट्रायल के लिए फिल्म देखी थी। यह फिल्म बुल रेस पूरी होने के साथ ही समाप्त हो जाती है और आप ऋतिक रोशन, फरहान अख्तर और अभय देओल को घातक दौड़ जीतते हुए देखते हैं और अंत में फरहान अख्तर की आवाज में एक कविता बजती है, दिलों में अपने बेताबिया लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। इस सीन के साथ ही फिल्म खत्म हो जाती है। लेकिन जब लोगों ने फिल्म को इस अंत के साथ देखा तो कुछ लोगों को वो समझ नहीं आया। एक कार्यक्रम में अपनी बातचीत में जोया अख्तर ने एक बार खुलासा किया था कि इस अंत को देखने के बाद लोगों ने उनसे पूछा कि जिंदगी मिलेगी ना दोबारा में ऋतिक रोशन, फरहान अख्तर और अभय देओल की मृत्यु हो गई थी। इस सवाल पर मेकर्स घबरा गए। जब जोया अख्तर को एहसास हुआ कि लोगों को फिल्म का अंत पसंद नहीं आया तो उन्होंने सूरज के बाहों में गाना भी शूट किया जिसमें ऋतिक रोशन के किरदार की शादी कैटरीना कैफ यानी लैला से हो जाती और इस तरह लोगों का कंफ्यूजन दूर करने के लिए जोया अख्तर को फिल्म के लास्ट में गाना डालना पड़ा। और आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे मजेदार फिल्म में किसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।